कि यहाँ पे लकवा बीमारी का औपचारिक इलाज किया जाता है, और आप बताते हैं लकवा के मरीजों को। लकवा के लिए हम स्पेशलिस्ट है, जैसा भी लकवा हो। सबसे पहले तो जो दूर दराज है, बम्बई है, दिल्ली है, या राजस्थान है, गुजरात है, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं पहले आप मोबाइल से दिखाइए वीडियो कॉलिंग। जब देख लेते हैं ठीक होने वाला रहता है वैसे ही पेशेंट को बुलाते हैं, बाकी जनरल को नहीं, हम यहाँ भीड़ लगाते हैं। पेशेंट ठीक होता है तो पेशेंट पेशेंट को प्रचार करता है, जब पेशेंट ठीक होता है तो फिर मीडिया वाला उसे इंटरव्यू लेता है, जब इंटरव्यू लेता है तो फिर प्रचार प्रसार हो जाता है। इससे पहले नहीं। लकवा मरीजों का जब आप इलाज करते हैं तो उसकी गारंटी आप देते हैं? हाँ, गारंटी है। जो भर्ती है या पेशेंट होम्योपैथिक इलाज करते हैं? हाँ, होम्योपैथ है। कितने दिन से यहाँ अभी एडमिट है? 4 दिन हो गए। क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा है? सही है, पहले कुछ सुधार हो रहा है। हाँ, सुधार है। अब जरा सोचिए कि दिल्ली से चल के, या बसीम भाई है, बसीम भाई दिल्ली से चल के आए हैं, और इनका कहना है कि यूट्यूब पे हमने वीडियो यहाँ का देखा था और उसके जरिए हम यहाँ तक आए हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं या उसके डॉक्टर की तलाश में हैं, और डॉक्टर अच्छी डॉक्टर अगर नहीं मिल पाता है, और खास करके अगर लकवा की बीमारी से अगर आप परेशान हैं, आप मधुबनी जिले के 20वीं प्रखंड के भगवती गांव में आ सकते हैं। क्योंकि आप जैसा कि वीडियो में बैनर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लकवा बीमारी का औपचारिक इलाज किया जाता है, और आपको बता दें कि ये इलाज जो है होम्योपैथिक इलाज किया जाता है, और यहाँ पे गारंटी के साथ किया जाता है। क्योंकि विगत कई वर्षों से ये क्लिनिक यहाँ पे चल रहा है, और ये छोटा सा क्लिनिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और आपको युग है तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से यहाँ पे लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, और इलाज का काफी यहाँ पे असर भी देखने को मिला है। यहाँ पे आज तक जो भी मरीज आया है उनकी बीमारी में निश्चित रूप से सुधार आया है। हम सोचे कि इस तरह की क्लिनिक में जो सेवा दी जा रही है उसको आप तक लाएं और दिखाएं। तो आप देख रहे हैं लकवा केयर सेंटर, जहाँ लकवा की गारंटी इलाज किया जाता है। ये पूरी मामला, ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये मधुबनी जिला का 20वीं प्रखंड का है। तो हम अंदर आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ मरीज भी बाहर से आए हुए हैं, उनका किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है और क्या कुछ उनका रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए आप पहले कमरा में देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ मरीज हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? दीपक कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला से। अच्छा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा से आए हैं जी। ये आपकी माँ है? जी माँ है। क्या हुआ आपके मम्मी को? हाथ पर काम नहीं कर रहा है। कितने दिनों से? 1 महीना से लगभग। तो यहाँ आने के क्या रीजन है? लगता है यहाँ पे यहाँ उसका इलाज सही ढंग से हो पाएगा? इस क्लिनिक पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, यहाँ से लोग करा के गए हैं, ठीक हुआ है। ठीक हो रहा है जी? कितने दिन से यहाँ है? यहाँ कल आए हैं। कल आए हैं जी। दवा चल रहा है? दवा चल रहा है, सुधार है। तो यहाँ के डॉक्टर साहब जो है यहाँ अच्छे इलाज देते हैं? हाँ, अच्छे इलाज देते हैं। तो देखिए जैसा कि ये भाई साहब जानकारी दे रहे हैं, ये दरभंगा कुशेश्वर स्थान से अपनी माँ को लेकर आया है, और इनका मानना है कि इस क्लिनिक में सही ढंग से इलाज किया जाता है। आप कहाँ से आए हैं? इसी साथ में है सर। आप इनके साथ में है, ड्राइवर है? जी जी। कहिए इस क्लिनिक के बारे में क्या कुछ? वही जानकारी दिया यहाँ पर आने के लिए हम लोग आए। अच्छा, रिजल्ट मिलता है? हाँ, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। तो देखिए अब आगे भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिर से आपको बताना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग यहाँ आते हैं, जरा सोचिए। लेकिन छोटा सा क्लिनिक है, एक साधारण घर में ये क्लिनिक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ रिजल्ट अच्छा मिलता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है वसीम खान। वसीम खान जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से चल के आए हैं? लेकिन यहाँ का एड्रेस पता कैसे चला? यहाँ का एड्रेस यूट्यूब पे चला है, मेरे मामू ने बताया था। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च किए तो पता चला इस तरह की? हाँ, इलाज की। हाँ, मामू ने। किनको लेके आया? मम्मी को लेके आया। क्या मम्मी को क्या दिक्कत? एक राइट हैंड मार रखा खाली। कितने दिन से यहाँ अभी एडमिट है? 4 दिन हो गया। क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा है? सही है, पहले कुछ सुधार हो रहा है। हाँ, सुधार है। अब जरा सोचिए कि दिल्ली से चल के, ये बसीम भाई है, बसीम भाई दिल्ली से चल के आए हैं, और इनका कहना है कि यूट्यूब पे हमने वीडियो यहाँ का देखा था और उसके जरिए हम यहाँ तक आए हैं, और फिलहाल 4 दिन से है ना, 4 दिन से यहाँ एडमिट है। इसकी मम्मी यहाँ आई हुई है इलाज के लिए, उसका अच्छा रिजल्ट भी दिया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि आज भी बिहार के सुदूर इलाके में, एक मधुबनी जिला का ये भगवती गांव 20वीं प्रखंड, जहाँ एक छोटा सा क्लिनिक एक साधारण घर में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। आज के समय में लकवा बीमारी के इलाज के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, न जाने कहां कहां जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अच्छा सुधार नहीं हो पाता है। तो अगर इस वीडियो का आप लोग देख पा रहे हैं तो आप सीधे मधुबनी जिले के 20वीं प्रखंड आइए और यहां
अच्छा रिजल्ट आपको दिया जाएगा। खास करके जो लकवा पेशेंट है, जो लकवा मरीज है, उनके लिए गारंटी के साथ यहाँ पे इलाज किया जाता है। अब हम यहाँ के डॉक्टर साहब जो क्लिनिक के मालिक हैं, डॉक्टर रावता रमन जी, उनसे हम मिलेंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत हमारे अनोखा एक्सप्रेस में। आपको भी बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे, मधुबनी जिला का 20वीं प्रखंड है, 20वीं प्रखंड है, हाँ हाँ, ये साधारण सा गांव है, इस इलाके में आप कब से ये क्लिनिक चला रहे हैं? हम तो 2008 से चला रहे हैं। 2008 से? 8 से चला रहे हैं। हम लोगों को जानकारी मिला कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अलग अलग सभी कोने से लोग अब तक आ चुके हैं, इलाज करवाते हैं, उसको अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला है, और खास तौर पर आप यहाँ लकवा के मरीजों को, लकवा के लिए हम स्पेशलिस्ट है, जैसा भी लकवा हो। सबसे पहले तो जो दूर दराज है, बम्बई है, दिल्ली है, या राजस्थान है, गुजरात है, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं पहले आप मोबाइल से दिखाइए वीडियो कॉलिंग, जब देख लेते हैं ठीक होने वाला रहता है वैसे ही पेशेंट को बुलाते हैं, बाकी जनरल को नहीं हम यहाँ भीड़ लगाते हैं, जो ठीक होने वाला है तो उसी को बुलाते हैं, जनरल पेशेंट को नहीं बुलाते हैं। बीमारी सिर्फ लकवा मरीजों को ही देखते हैं, उसके अलावा और भी कुछ नहीं? और देखते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट मात्र लकवा का है, वैसे दर्द का भी है, जोरों का दर्द हो, साइड का हो, लेकिन मेन रूप से हम लकवा का काम कर रहे हैं, उसी से हमको फुर्सत नहीं है। तो ये 12-13 वर्ष से क्लिनिक आपका चल रहा है, यहाँ पे लोगों का आना जाना कम नहीं है, चूंकि ये गांव देहात इलाका है, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोगों का यहाँ तक आना, उसको जानकारी कैसे मिला यहाँ तक? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट ठीक होता है, जब पेशेंट ठीक होता है तो पेशेंट को प्रचार करता है, जब पेशेंट ठीक होता है तो फिर मीडिया वाला उसे इंटरव्यू लेता है, जब इंटरव्यू लेता था फिर प्रचार हो जाता। इससे पहले इस आपके क्लिनिक को मीडिया ने कभी दिखाया था? हाँ दिखाया, एक साल पहले, इससे पहले नहीं, मात्र एक साल पहले दिखाया, एक साल पहले दिखाया। बस एक साल पहले दिखाया, हाँ। इससे पहले नहीं। लकवा मरीजों का जब आप इलाज करते हैं तो उसकी गारंटी आप देते हैं? हाँ गारंटी है, जो भर्ती है या पेशेंट होम्योपैथिक इलाज करते हैं? होम्योपैथ है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा करते हैं, और फिजियोथेरेपी, खास जो दवाई से नहीं काम कर जाता है तो उसको फिजियोथेरेपी से भी हम हाथ को खुलाते हैं, फिजियोथेरेपी से भी। आपका उम्र कितना है सर? हमारा उम्र तो हो गया करीब 53 साल हो गया, 53 वर्ष है आपका। ये आप प्रारंभिक जो है क्लिनिक का शुरुआत यहीं से किए? घरे से किए, यहीं से किए हैं। इसके अलावा और कहीं भी है? नहीं कहीं नहीं, दूसरी जगह जाने का जरूरी है ना हमको। इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख पा रहे हैं, अगर वो यहाँ तक आना चाहे, इलाज करवाना चाहे, ऐसा कोई मरीज अगर कहीं होंगे, उसके लिए ये सुविधा बता दीजिए, इलाज के साथ साथ उनकी फीस क्या कुछ लेते हैं? फीस तो 500 रुपया हमारा है। 500 रुपया। ये आपकी क्लिनिक कब से कब तक खुली रहती है? वैसे टाइम देते हैं 2 बजे से 10 बजे से 2 ही बजे, लेकिन अभी भी देख लीजिए 6-7 बज जाता है, 5-6 पेशेंट में। सुबह कब आते हैं क्लिनिक पर? हम 10 बजे, आज 9 बजे आ गए हैं, इसीलिए आ जाते हैं कि पेशेंट को देखे आ छोड़े जल्दी, भीड़ नहीं लगाना चाहते हैं, जब भीड़ लग जाता तो हमको खुद टेंशन बनने लगता है, दूर दूर का है, इससे पहले अभी ये देखिए कहाँ का, झारखंड का गया है, अभी भी आ रहा है बरौनी से, हाँ तो सब बाहर वाला रहता है, जाने के लिए उधर पर आया, इससे पहले नेपाल को गया है, अभी ये तो सब धरपड़। अभी अंदर में एक मरीज है, वसीम भाई है, दिल्ली से आया है, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख के यहाँ तक आया, यूट्यूब पर देख लिए, इससे पहले उनको और एक संबंधी था 4 दिन पहले, वो भी 4 दिन पर गया है, ठीक हो गया, तब इनको भेजे है वो। अच्छा सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज के समय में लोग इलाज के लिए इधर उधर भटकते हैं, कभी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, उनके बाद भी उसकी बीमारी में सुधार नहीं हो पाता है, लेकिन आप इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों में इतना कुछ अभी रिजल्ट मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि क्या आप कहीं किसी शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं अपने क्लिनिक को डालते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ आ पाए? हाँ तो कारण यही है ना कि अधिक लोग हम देखना ही नहीं चाहते हैं, हम 5-6 पेशेंट देखेंगे, 7-8 हो जाएगा तो हम बेचैन हो जाएंगे, 8-9 बजे। आप अपने क्लिनिक में डॉक्टरों की संख्या बढ़ा सकते हैं? संख्या वो काम नहीं कर पाता है, सबसे बात है कि जो दवाई हम बनाते हैं वो बना ही नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा वो दवाई, समझे ना। तो इस वीडियो के माध्यम से सर, ये अभी कहाँ हम लोग हैं, इस जगह का नाम बता दीजिए? ये अभी स्थान है भगवती, ग्राम है भगवती, और बगल में है खंगेठा हाई स्कूल, इससे पहले उसी 0 माइल है, और 0 माइल से आगे दरभंगा हो गया, 0 माइल से पूरा मधुबनी हो गया, और 0 माइल से उत्तर रहिका, कलवाही, जयनगर, नेपाल, और पश्चिम का बात करें तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद बसैठा, बसैठा के बाद मल्हामोर, बेनीपट्टी के पास है, वहां से आ जाए दामोदरपुर, तीसी, नरसाम, खंगरेठा। चलिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी आप वीडियो के माध्यम से सीधे तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मधुबनी जिले के 20वीं प्रखंड के ये जो है भगवती गांव है, जहां डॉक्टर रामावता रमन जी के द्वारा लकवा मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये महज 12 से 13 वर्ष हो चुके हैं ये क्लिनिक का चल रहे हैं, और यहाँ पे अच्छा यहाँ रिजल्ट भी मिल रहा है, जैसा कि हमने इनसे जानने का प्रयास किया तो डॉक्टर रावतर सर ने बताया
कि हम पिछले 13 वर्ष यहाँ से सेवा दे रहे हैं और इसके अलावे और कहीं इसकी क्लिनिक नहीं है। लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि एक गांव में, एक सुदूर इलाके में, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, आखिर क्या कारण है? तो आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं और खास करके जो लकवा मरीज है, अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, उस क्लिनिक में इलाज करवा सकते हैं, चूंकि यहाँ का इलाज पूरी गारंटी के साथ किया जाता है। तो फिलहाल पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।